सैनिक भाइयों जय हिंद। जैसा कि सैनिक संदर्भ की जानकारी के वीडियो आप लोगों के साथ समय समय पर शेयर करता रहता हूं, इसी सिलसिले में एक और वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सैनिक भाइयों, हम लोग अपनी जमा की हुई पूंजी मैक्सिमम पोस्ट ऑफिस में सेविंग करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे सेफ्टी और सुरक्षित रहती है, इंटरेस्ट रेट भी अच्छा रहता है। और जो ये जो क्वार्टर आया है फाइनेंशियल ईयर का, फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक, इस क्वार्टर में पोस्ट ऑफिस के सभी सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा बढ़ के आया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से इसकी जानकारी शेयर करें। तो देखते हैं मोबाइल में स्क्रीन के साथ कि क्या इंटरेस्ट रेट है, पहले क्या था और अभी क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं इस टेबल के जरिए कि पिछले जो प्रीवियस इंटरेस्ट रेट था वो क्या था और अभी क्या है। तो दोस्तों देखेंगे, ये जो टेबल है ये टेबल है प्रीवियस इंटरेस्ट रेट का, और जो अभी रिवाइज हुआ है अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक के लिए, वो ये वाला टेबल है। और इसमें देखेंगे कि क्या इंटरेस्ट रेट था सभी स्कीमों में। तो पहला स्कीम है सेविंग डिपॉजिट, जो अगर इसके सेविंग अकाउंट में हम डिपॉजिट करते तो इसमें दोस्तों 4% का पहले भी था और 4% का अभी भी है। दूसरा दोस्तों इसमें देखेंगे टर्म डिपॉजिट 1 साल के लिए, अगर 1 साल के लिए हम डिपॉजिट करते हैं तो दोस्तों इसमें पहले था 6.6% और अभी है इसमें 6.8%। दूसरा है दोस्तों 2 साल के लिए, 2 साल के लिए जैसा कि आप देख पा रहे पहले 6.8% था और अभी है 6.9%, और 3 साल के लिए पहले 6.9% था अभी है 7%, और 5 साल के लिए दोस्तों इसमें 7% पहले था और अभी है 7.5%। तो ये थी टाइम डिपॉजिट का, और अभी हम देखेंगे आरडी के लिए। तो आरडी का दोस्तों ये है 5 साल की आरडी के लिए, और इसमें पहले था 5.8% और अभी है 6.2%। अगला देखते हैं दोस्तों एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये है दोस्तों पहले जो है 7% था और अभी दोस्तों ये 7.7% है। अगला स्कीम देख लेते हैं मंथली इनकम स्कीम MIS। दोस्तों ये हम फौजी भाइयों की सबसे फेवरेट स्कीम है, और इसमें पहले इंटरेस्ट रेट था 7.1% और अब जो इंटरेस्ट रेट है वो है दोस्तों 7.4%। MIS में दोस्तों मंथली इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप जॉइंट अकाउंट में पहले 9 लाख रुपए की लिमिट थी, अभी 15 लाख रुपए तक की लिमिट हो गई है जॉइंट अकाउंट में। और अगली स्कीम देख लेते हैं दोस्तों पीपीएफ में दोस्तों कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, पहले भी 7.1% था और अभी भी 7.1% इसका इंटरेस्ट रेट है, और 500 रुपये की इसकी मिनिमम लिमिट है और 1.5 लाख रुपये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, और लॉकिंग पीरियड 15 साल के लिए है। अगली स्कीम देख लेते हैं दोस्तों सीनियर सिटीजन स्कीम पहले दोस्तों 8% था और अभी 8.2% हो गया है। अगला स्कीम देख लेते दोस्तों किसान विकास पत्र दोस्तों, इसका भी
7.2 था और अभी 7.5 कर दिया इसको बढ़ाकर, और ये जो है मेच्योरिटी जो होगा 115 मंथ में इसका मेच्योरिटी होगा। मेच्योरिटी का मतलब ये 115 मंथ में डबल हो जाएगा। अगली स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, तो इसमें दोस्तों पहले था 7.6 और अभी 8 कर दिया गया है, और ये है 10 साल से कम उम्र के बच्चियों के लिए। ये तो थी जो पिछले क्वार्टर से और इस क्वार्टर के बीच में जो इंटरेस्ट रेट का अंतर था। ये एक एप्लीकेशन है, इसमें लिखा है PO इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ये एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है पोस्ट ऑफिस का। अगर इसमें हम देखें तो इसमें सभी योजनाओं के सभी स्कीम जो पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम का इंटरेस्ट रेट अलग अलग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, ये RD अकाउंट है, RD अकाउंट में मंथली अगर हम दोस्तों RD अकाउंट हम खोलते हैं MIS के इंटरेस्ट के ऊपर, और MIS का जॉइंट अकाउंट में पहले 9 लाख रुपया की लिमिट थी, अभी 15 लाख की लिमिट हो गई है, और सिंगल अकाउंट पे 9 लाख की लिमिट हो चुकी है अप्रैल 2023 से। तो इसमें चलिए देखते हैं 9 लाख पे कितना इसमें हमारा बन रहा है। तो 9 लाख पे दोस्तों बन रहा है 5,550 रुपया, और 5,550 रुपया अगर हम इसमें अप्रैल 2023 से और अप्रैल 2028 तक इसमें अगर हम कैलकुलेट करें और 60 महीने का इसका पीरियड हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों ये है इसका, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जो मंथली डिपॉजिट 5,550 और टोटल डिपॉजिट मेड बाय डिपॉजिटर ये है 3,33,000, और इंटरेस्ट रेट है 6.2 का, और टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा आपका 57,901। तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा 5 साल के बाद वो हो जाएगा 3,90,901। ऐसे ही दूसरे, अब दोस्तों दूसरा इसका MIS, इसके दूसरी स्कीम है MIS। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि पहले 9 लाख रुपए हम इसमें डाल सकते थे, जमा कर सकते थे, और उसका इंटरेस्ट रेट जो है 9 लाख पे हम अगर कैलकुलेट करें तो उसका इंटरेस्ट बनता है 5,550 रुपया। लेकिन इसी को दोस्तों हम 9 के बजाय 15 लाख भी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी जो लिमिट हो गई है वो 15 लाख हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम इसकी लिमिट नहीं होती 15 लाख तो ये हमें बता देता कि आप जो है इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। जैसा कि मैं आप 16 लाख डाल के दिखाता हूँ, 16 लाख में जो है 16 लाख डाल के, और अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये बोल रहा है कि अमाउंट डिपॉजिट कैन नॉट बी मोर देन 15 लाख। तो दोस्तों हम 15 लाख ही इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, और इसका भी लॉकिंग पीरियड 5 साल का होता है, बट इसको एक साल के बाद निकाल सकते हैं। ये देखो मैसेज आ रहा है कि इज दिस MIS अकाउंट की जॉइंट अकाउंट, तो ये यस कर देंगे, दो आदमियों के बीच में ही 15 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं, एक सिंगल अकाउंट में 9 लाख की लिमिट हो चुकी है। तो दोस्तों इसका इंटरेस्ट रेट जो है 7.4 से बन रहा है 9,250 रुपया। अगर आप RD अकाउंट खोलते हैं तो ये जो है आपका यहाँ पे दिखाया हुआ है 6,51,502 रुपया, 6,51,502 रुपया आपका
इंटरेस्ट बन रहा है, और अगर आप SBI अकाउंट में रखते हैं तो 6,14,000 और 159 रुपये आपका इंटरेस्ट बनेगा। चलिए दोस्तों दूसरी स्कीम की तरफ देखते हैं, MIS अभी है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में अगर आप 1 साल का डाल सकते हैं दोस्तों, 2 साल का डाल सकते हैं, 1 साल के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं, और तो अगर हम 1 लाख करेंगे तो 1 साल के लिए ये हो गया 6.8 से, और इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जो है 1 साल के लिए। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं 2 साल के लिए, ऐसे ही 2 साल के लिए भी यहाँ पे जो है टाइम आप यहाँ पे अमाउंट भरना है दोस्तों, ऊपर भरना आपको अमाउंट 1 लाख अगर भरना है तो 1 लाख भर दिया, और टाइम यहाँ पे 1 साल के लिए जमा करना है, 2 साल के लिए जमा करना है, 3 साल के लिए जमा करना है, 5 साल के लिए जमा करना है, तो यहाँ पे भर देंगे, और उसके बाद जो है ये आपको 2028 तक का कैलकुलेट करके 5 साल के लिए करके दिखा देगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये है टाइम डिपॉजिट का। ऐसे ही बाकी स्कीम को, दूसरी स्कीम को भी NSC है दोस्तों, NSC देख सकते हैं। NSC में अगर हमने 1 लाख रुपया 5 साल के लिए डाल दिया ये भी इसका लॉकिंग पीरियड 5 साल का है, और इसमें ये कैलकुलेट करके दिखा दिया कि ये सारे कुछ जानकारी इसमें दिखा रहे हैं कि 1 लाख रुपये आपका इन्वेस्ट है, और 7.7% इंटरेस्ट के साथ जो है इसमें 44,903 रुपये टोटल इंटरेस्ट बन रहा है। टोटल दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे 1,44,903 रुपये आपका जो है 5 साल के बाद इतना मिलेगा। चलिए दोस्तों दूसरा स्कीम देख लेते हैं, NSC हो गया, किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र का जो इंटरेस्ट रेट है अभी है 7.5, और इसमें अगर आपने 1 लाख रुपया डाला है तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपको 9 साल 7 महीने में आपको डबल कर देगा, 1 लाख का 2 लाख कर देगा। चलिए दोस्तों दूसरी स्कीम देख लेते हैं, PPF। PPF में दोस्तों कोई इंटरेस्ट रेट में चेंजिंग नहीं हुआ है, और सुकन्या समृद्धि योजना में दोस्तों देख लेते हैं कि ये 10 साल से कम उम्र के बच्चों को लागू है, और ईयरली डिपॉजिट आप कितना इसमें करते हैं। तो अगर ईयरली डिपॉजिट आप 1,000 अगर करते हैं तो 8% से इसका इंटरेस्ट रेट क्या कैलकुलेट करके 21 साल के लिए ये योजना इसमें दिखा रहा है दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना बिल मेच्योर्ड आफ्टर 21 ईयर, और 21 ईयर का पूरा ईयरली इसमें कैलकुलेशन है दोस्तों, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पोस्ट ऑफिस का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है PO इंटरेस्ट कैलकुलेटर, उसमें आप जो है ये सारा देख सकते हैं, और ये सारी स्कीम इसमें दोस्तों दी हुई है। महिला सम्मान सेविंग स्कीम भी है इसमें, और सेविंग बैंक अकाउंट भी है, 4% का ब्याज उसमें भी मिलता है दोस्तों। इसमें आपका NSC हुआ इसमें, और टाइम डिपॉजिट हुआ, इनमें क्वार्टरली कंपाउंड होता है, और जो MIS है और PPF है, जैसे कि FD है, किसान विकास पत्र है, इनमें ईयरली कंपाउंड होता है, और ये सारी स्कीम है दोस्तों। तो ये थी जानकारी। सैनिक भाइयों, हम लोगों के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी की कमाई होती है, और उसको बहुत ही सेफ और सिक्योर रखने की ज़रूरत होती है, बहुत हाई फाई इंटरेस्ट के चक्कर में ना पड़े। एक पोस्ट ऑफिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ये अप्रैल 2023 के जो
क्वार्टर में स्टार्टिंग है, इसमें इंटरेस्ट रेट भी बढ़ के आया हुआ है, पोस्ट ऑफिस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया हुआ है, तो एक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुझे लगा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं जानकारी को, तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा। हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन आपके किसी भाई को इसकी ज़रूरत हो तो अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी दबा लेना। अगली और एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।